वंदे काशीम विश्वनाथम छिन्नमस्ताम च देवताम कालीम कृपामयीम नौमी जगन्नाथम पुनः पुनः योन्तः प्रविश्य ममवाच मिमां प्रसुप्ताम संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाना श्रवणत्वगादीन हस्तचरणश्रवणत्गादी नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम प्रिय शिक्षार्थियों राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान एन के स्टूडियो में आप सबका पुनः स्वागत अभिनंदन मैं डॉक्टर चंदन कुमार मिश्र सहायक आचार्य वेद विभाग श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय उड़ीसा से आपके मध्य उच्चतर माध्यमिक कक्षा के वेदाध्ययनम पाठ्यक्रम अंतर्गत चौबीसवा पाठ जो रुद्राध्याय है उसके भाग चार के अध्ययन के लिए उपस्थित हूँ रुद्राध्याय का पंद्रहवा मंत्र इस प्रकार है ओम मानो महांत मुत मानो अर्भकम मान उक्ष तमान उक्षित मानोवधी पितर मोत मातर मिया स्तन्न वो रुद्ररीखा यह संविता पाठ संपन्न हुआ इसका पद पाठ इस प्रकार किया जाता है महा महात म उत मना अर्भक म महा उक्ष म उत म उक्षितमा माना वधि ही पितरमा माउता मातरमा माना प्रिया तनवाहा रुद्रा रीरिका इति रीरिका यह पद पाठ पूर्ण हुआ इस मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है मंत्र में पुनः ऋषि प्रार्थना करते हुए रुद्र को कहता है हे भगवान रुद्र अस्क महाद्ध गुरुपितृव्यादी उत अस्माक मिंसी अस्माकुण मधी उत अस्माक उक्षिता गर्भस्थ शिशुच मधी अस्माक पितरं उत मातरच मधी मा अस्माक प्रिया तनू शरीरात्रपौत्रा सी माँ हिंसी ही इस प्रकार सर्वतोभावे न महर्षि अपने पिता माता गुरु भ्रातृ बंधु बांधव अपनी अवस्था गर्भस्थ शिशु सभी प्रकार के कल्याण की सबकी रक्षा की कल्याण की भावना करते हुए सबका किसी प्रकार से हिंसा न होवे ऐसी प्रार्थना इस मंत्र में किया गया है मंत्र का अर्थ हिंदी भाषा में मैं आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ मंत्र में कहता है हे रुद्र हमारे अत्यंत महान वृद्ध जो गुरु पिता पितृव्य पितृव्य कहते हैं चाचा को तो परिवार के जो भी वृद्ध लोग हैं गुरु लोग हैं उनकी हिंसा आप न करें किसी प्रकार से उनका वध न करें और हमारे परिवार में जो बाल वर्ग हैं बालक हैं उनकी भी हिंसा न होवे और हमारे सिंचनतम तरुणम हमारी इस युवावस्था को भी आप हमारे युवा शक्ति का भी हिंसा न करें और हमारे अंत हमारे परिवार में जो गर्भस्थ शिशु हैं उन शिशुओं का भी आप संरक्षण करें उनका भी हिंसा न करें हमारे पिता हमारी माँ सबकी आप हिंसा न करें सबका आप संरक्षण करें और हमारे जो प्रिय शरूर शरीर है मेरा जो हमारे पुत्र पौत्र आदि हैं उन सभी का संरक्षण आप निश्चित रूप से करते रहें उन सभी का किसी प्रकार से अकल्याण न करें ऐसी चर्चा इस मंत्र में यजमान के द्वारा ऋषियों के द्वारा किया जाता है अग्रिम मंत्र है मानस्तो केतनये मान आयुखी मानो गोखु मानो अश्वे खूरीरीखा मानो वीरान रुद्र भामिनो वाधीरे हविकमंता सादा मितवाहवामहे मैं पुनः एक बार इस रुद्राध्याय के अंतिम मंत्र का संविता पाठ करता हूं मानस्तोकेत नए मान आयुखी मानो गोखुमानी खा मानो वीरा नो वधी हिखमता यह संहिता पाठ पूर्ण हुआ इसका पद पाठ इस प्रकार है मानहा तोनये मयुखि मनह गोखु मशवेखु रीरीख इति रीरीखा मीरान्न ऋद्र भाधी हविखंत हा, सदम इत या हवा हवामहे इस प्रकार पदपाठ इस मंत्र का संपन्न होता है मंत्र का सरलार्थ इस प्रकार है अस्मिन् मन्त्रे पुनरपि ऋषिः प्रार्थयति यत हे रुद्र अस्माकम् पुत्रे तनये पौत्रे च माहिंसिहि अस्माकम् आयुषि माहिंसिहि नह घोषु अश्वेषु माहिंसिहि क्रोधो युदानपि अस्माकम् वीरान मृत्यान मावधीहि वयम् हविर सदैव त्वं यागाय आह्वयामः तदेक शरणा सर्वदा सर्वदा इति अर्थात हे रुद्र आप हमारे पुत्रों के पुत्र रूप में जो हमारे पौत्र प्रपौत्र इत्यादि हमारे ही शरीर के रूप में विद्यमान हैं उन सब की हिंसा न करें हमारे आयुओं की हिंसा न करें हम लोग सुदीर्घ आयु वाले होवें और हमारे गऊओं में हमारे अश्व इत्यादि प्रजाओं में हमारे पशुओं में किसी प्रकार की आप हिंसा न करें और अत्यंत क्रोध से युक्त जो हमारे भृत्य हैं भृत्य कहते हैं सेवक को तो हमारे जो वीर सेवक गण हैं जो क्रोध से युक्त भी होते हैं फिर भी आप उनकी हिंसा न करें हम सभी यजमानगण विविध प्रकार के हवियों से हविर द्रव्यों से युक्त होकर आपका यज्ञ के लिए आपकी स्तुति के लिए आपका यज्ञ कर्म में आह्वान करते हैं हम सभी आप एकमात्र के शरण में प्रस्तुत होते हैं आप सर्वतोभावे ने हमारी संरक्षण करें हमें आशीष प्रदान करें ऐसी प्रार्थना इस मंत्र के द्वारा यजमान करता है इस प्रकार आपने संपूर्ण रुद्राध्याय के सोलहों मंत्र का संहिता पाठ पदपाठ और उनका भावार्थ अध्ययन किया मैं अग्रिम क्रम में देवता के स्वरूप के विषय में कुछ चर्चा करता हूँ शुक्लयजुर्वेदे रुद्राध्याये रुद्रदेवस्य स्वरूपं विस्तारेण समालोचितमस्ति रुद्रशब्दस्य अर्थः भवति भीषणं भयङ्करं वा पापिनः नरान् दुःखभोगेन रोदयति इति रुद्रः ऋग्वेदे रुद्रः अन्तरिक्षस्थानीयो देवः मन्यते मरुतां पिता इति तस्य प्रसिद्धिः वेदे रुद्रदेवतामुद्दिश्य स्तुतिनिवेदनसूक्ते सर्वदा भयङ्कररूपेण संहारकूपेण वय आविर्भवती तर रौद्रूपदर्शन साक्र कल्याणमयूप् वर्णन वेदे बहुत प्राप्यते यहां िषा अपि विहिता रुद्रमुदिश्य प्राथना यिमा अशीय भेशजे अर्थ हे रुद्र अहम तव भिषज शत वर्षा जीवामी तब भिषजा शतम वर्षाणी अहम जीवामी अर्थात यजुर्वेद के रुद्राध्याय में रुद्रदेव का विभिन्न स्वरूपों का विस्तार से आलोचन किया गया है रुद्र शब्द का अर्थ होता है भयंकर अथवा भीषण पापियों जो पापी लोग हैं उन पापी लोगों को दुख भोग प्रदान के द्वारा जो रुलाने वाला होता है उसको रुद्र कहा जाता है ऋग्वेद में रुद्र को अंतरिक्ष स्थानीय देव के रूप में प्रस्तुत किया गया है और रुद्र की प्रसिद्धि मरुतों के पिता के रूप में प्राप्त होती है वेदों में रुद्र देवता को उद्देश्य करके स्तुति सूक्तों में सर्वदा भयंकर रूप में और संहारक रूप में यह प्राप्त होता है यह उत्पन्न होता है वैदिक सूक्तों में यह रुद्र भयंकर और दुष्ट संहारक के रूप में प्रतिपादित किया गया है उसके रौद्र रूप के दर्शन के साथ साथ उस रुद्र के कल्याणमय स्वरूप का भी वर्णन वेदों में बहुत बहुशा प्राप्त होता है यथा एक सूक्त आता है भिषक्तम वाम भिषजा श्रृणोमी ऋग्वेद में रुद्र को उद्देश्य करके एक विशिष्ट प्रार्थना भी प्राप्त होती है जो शतम हिमा अशी भेषजे भी अर्थात हे रुद्र हम सब मैं आपके भैषज्य के द्वारा सौ वर्षों तक जीवित रहूं हम सब आपके भिजक शक्तियों के प्रयोग से सौ वर्षों तक जीवित रहूं भैषज्य औषधि को कहा जाता है यजुर्वेद में शिव शंकर मयस्कर शंभु मयोभु इत्यादि नाम कल्याण प्रज शब्दों के द्वारा रुद्र की स्तुति की गई है प्रत्येक विशेषण वाचक शब्दों का अर्थ कल्याण जनित सुख ही होता है शिव का भी अर्थ कल्याण होता है शिवम नाम कल्याणम शंकर शब्द का भी अर्थ कल्याण करने वाला होता है शम नाम कल्याणम शम करोति इति शंकर जो कल्याण को करता है जो कल्याण देता है उसको शंकर कहते हैं मय नाम अपि सुखम भवती तो मय इति मयस्कर सुख करने वाला शंकर इस प्रकार सभी नामों में सभी विशेषणों में कल्याण अर्थ ही छिपा रहता है यो ही रुद्र सव शिव जो रुद्र है वही शिव है शिव सर्वदा कल्याण करता है रुद्र न केवल मनुष्याण पालक अपितु समस्त प्राणीना परिपालक यथा गवाम अश्वाना शुनाच सालक रुद्र न केवल मनुष्यों का पालक है अपितु समस्त संसार में उत्पन्न सभी प्राणियों का भी वह पालक है जैसे गऊ का पालक अश्वों का पालक और श्वान श्वान कहते हैं कुत्ते को तो उस प्रजाति का भी पालक यह शिव ही है यह रुद्र ही है विशेषतः शैवधर्म से प्रचार अस््या विद्य तस्वैशिष्ट्यम अत्र विस्तृत वर्णि स रुद्र भयंकर अस्त जन्मसम स स्वये भीषण क्रंदन कौती अच्छा तत्शबन अखिलूत विशेष रूप से इस अध्याय में धर्म का प्रचार प्रसार प्राप्त होता है उसके उस रुद्र के विशिष्ट स्वरूप का भी प्रतिपादन वर्णन विस्तृत विस्तार रूप से इस अध्याय में किया गया है वह रुद्र भयंकर अवस्था में भयंकर स्वरूप में प्राप्त होता है और जन्म के समय ही वह स्वयं ही अनेक भीषण क्रंदन करते हुए क्रंदन कहने करने का अर्थ होता है रोना भीषण क्रंदन करते हुए भीषण रुदन करते हुए वह अपने उस रुदन रूपी शब्द के द्वारा समस्त संसार को कंपायमान करता है यह वही रुद्र है रुद्र नाम नीलक अस््याय रुद्र आदित्यूपेण स्तूयते ताम्रवर्णः अरुणवर्ण पिंगलवर्ण सुमंगलच तथा ये असंख्या अंशव त्रोधम वर्म भक्त निवारयामती रुद्र का एक नाम नीलकंठ भी है इस रुद्र सूक्त में इस अध्याय में रुद्र को आदित्य के रूप में प्रार्थना किया गया है जो रुद्र है वह ताम्रवर्ण से युक्त है अरुण वर्ण से युक्त है पिंगल वर्ण से युक्त है और अत्यंत मंगल स्वरूपी है तथा इसके जो असंख्य अंश हैं किरण रूपी अंश उस अंश के कारण मनुष्य प्रसन्न होते हैं वे असंख्य किरणों से मनुष्य लोग को प्रकाशित करता है और उनके उस क्रोध को यजमान कहता है कि उन उनके उस क्रोध को हम लोग भक्ति के द्वारा दूर करते हैं ऐसी चर्चा इस पाठ में प्राप्त होता पुनः आदित्यरूपो रुद्रः सर्वदैव दर्शनीयः सूर्यास्तसमये सूर्यदेवस्य गोपालकाः ग्राम्यरमण्यश्च रुद्रदेवस्य लीलां पश्यन्ति प्रार्थयन्ति च हे भगवन् रुद्र स्वकीयं धनुं ज्यामुक्तं कुरु स्वहस्तधृतान् बाणाञ्च दूरे स्थापय रुद्रस्य धनुः बाणश्च विफली भवतु सः अस्मान् प्रति न्यस्तसर्वशस्त्रः अस्तु आयुषधारण निमित्त रुद्र से रौद्रम रूपम अतिभावप्रदम अस्ति अतएव अस्म प्रति यथा शांता शोभन मनस्क भवेत तदर्थ प्रार्थना विधीये आदित्य रूप में जो रुद्र है वह सर्वदैव दर्शनीय होता है सूर्यास्त के समय सूर्यदेव के दर्शन के लिए जो गोपाल होते हैं जो ग्राम्य में ग्राम में रमण करने वाले होते हैं वे लोग सूर्यदेव के स्वरूप की लीला का दर्शन करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं हे hey भगवान रुद्र आप अपने जियायुक्त धनुष को प्रत्यंचायुक्त धनुष की प्रत्यंचा दूर करें उस धनुष को जिया मुक्त करें और अपने हाथों को अपने हाथों में जो आपने बाण धारण किया है ऐसे बाण को आप दूर करें और हे hey भगवान रुद्र आपके बाण विफल होवें वह हमारे प्रति हे रुद्र आप हमारे प्रति समस्त शस्त्रों को दूर करने वाले बने समस्त शस्त्रों से मुक्त बने और आयुध धारण करने के निमित्त आपका यह जो रौद्र रूप है भयानक रूप है वह अति भय प्रदान करने वाला है अतएव आप शांत होवें आप अपने आयुध को स्वयं से दूर रखें हमारे प्रति आप शांत हो करके सुंदर मन वाले बने और हमारा अपने सुंदर रूप स्वरूप से कल्याण करते रहें हम सभी का कल्याण करें हम सभी का तेजोवर्धन करें हम सभी प्राणियों को सुख प्रदान करें ऐसी प्रार्थना इस मंत्र में रुद्राध्याय में यजमान के द्वारा ऋषि के द्वारा किया गया है रुद्राध्याय का अध्ययन आपने संपूर्ण रूप से किया पुनः हाँ आपको धन्यवाद